इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स के चैप्टर, चैप्टर नेम है द क्रैंकी मैकाओ। क्रैंकी मैकाओ का पार्ट वन वीडियो जो है पहले से मेरे चैनल पर अवेलेबल है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो नीचे लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि किस तरह से जो मैकाओस होते हैं, जो तोते होते हैं, वो बहुत उनका इंटेलिजेंट है, जिसको कि वो बोलना भी सिखा सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से आगे का पढ़ लेते हैं। अगर आपने पार्ट वन वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देख ले, अगर वो वीडियो देखेंगे तभी आपको आगे चैप्टर जो अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्रेजी कूट हैड अ बैड टेम्पर एंड व्हेन इरिटेटेड ही वुड शाउट ऑलमोस्ट लाइक ह्यूमंस। जो क्रेजी कूट है ना, जो तोता है उनका, नाविक का, जॉनी जे का, तो उसका क्या है कि टेम्पर जो है ना, एक जो होता है ना कि थोड़ा सा मूड जो है वो बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, मतलब शॉर्ट टेम्पर का है वो, बहुत जल्दी गुस्सा भी आ जाता है, बहुत जल्दी खुश भी हो जाता है। तो जब वो गुस्सा आ जाता है ना तो बहुत तेज तेज चिल्लाता है, बिल्कुल जैसे हम लोग इंसान लोग नहीं गुस्सा करके चिल्लाते हैं उस तरह से वो भी चिल्लाता है। ही लव्ड वॉचिंग ओल्ड मूवीज विद जॉनी जे। उसको पुरानी मूवीज देखना बहुत पसंद है, वो जॉनी जे के साथ पुरानी मूवी बहुत देखता है। एंड कुड इमिटेट साउंड ऑफ गन फायर, और वो क्या, बंदूक के चलने की जो आवाज होती है ना उसको कॉपी कर सकता है, उस आवाज को निकाल सकता है अपने मुंह से, मतलब वैसा साउंड निकाल सकता है। ही कुड ऑल्सो स्पीक सम डायलॉग्स फ्रॉम सम मूवीज, और वो कई सारी मूवीज के डायलॉग्स भी बोल सकता है, उसने इतना मूवी देखा है कि उसको डायलॉग्स भी याद हो गए। ही लव टू विसल, उसको सीटी बजाना बहुत पसंद है। वेन एवर ही सॉ अ गर्ल और अ वुमेन ही वुड विसल लाउडली एंड प्रिटेंड टू फेंट। जब भी वो किसी लड़की को या किसी महिला को देखता है तो वो क्या करता है कि सीटी बजाता है, और उसके बाद अगर वो इधर मुड़ जाए इसकी तरफ तो ये क्या करता है कि ऐसे नकल करता है, ऐसे दिखाता है कि जैसे ये बेहोश हो गया हो। ही ऑल्सो थ्रू हिज फेवरेट फूड सनफ्लावर सीड्स थ्रू आउट जॉनी जेज हाउस एंड लव टू हाइड बिहाइंड थिंग्स। उसको जो सनफ्लावर के जो बीज होते हैं ना उसको पूरे घर में थ्रू कर देना बहुत अच्छा लगता है उसको, उसका फेवरेट है सनफ्लावर सीड्स, तो वो क्या करता है कि पूरे घर में सनफ्लावर सीड्स को बिखेर देता है जॉनी जे के घर में। और उसको चीज़ों के पीछे छुपना भी बहुत पसंद है, वो चाहे किताबें हों या कपड़े हों या किसी भी चीज़ के पीछे उसको छुपना बहुत पसंद होता है। जॉनी जे एंड क्रेजी कूट वर अ वेल मैच्ड पेयर स्टबॉर्न एंड सॉलिटरी। जॉनी जे और क्रेजी कूट जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि बिल्कुल ही एक दूसरे के लिए बहुत ही अच्छा सा पेयर है, दोनों ही जिद्दी हैं और दोनों ही अकेले रहते हैं, अकेले रहना उनको पसंद भी है। जॉनी जेज ओल्डेस्ट सिस्टर मिस्सी मे वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ द मकाओ। अब जो जॉनी जे की जो बड़ी बहन है उनका नाम है मिस्सी मे, तो उनको जो है ये तोता बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शी वुड विजिट देम व्हेन जॉनी जे एंड क्रेजी कूट वर स्टेइंग इन देयर होम ऑन द आइलैंड ऑफ गुआना। जब भी क्रेजी कूट और जॉनी जे गुआना वाले आइलैंड पर हुआ करते थे ना, तो उनकी बड़ी बहन मिलने आ जाया करती थी भाई से। वेन एवर मिस्सी मे वॉज अराउंड क्रेजी कूट ही वुड स्क्रीच एट हर, देन ही वुड मेक साउंड्स ऑफ पुलिस सायरन एंड गन शॉट्स एंड लाफ अलाउड। अब वो क्या करता था ना क्रेजी कूट, कि जब भी वो बहन आती थी ना उनकी मिस्सी में जब भी आती थी, तो ये भी थोड़ा सा उनको परेशान करता था, मतलब थोड़ा सा होता है ना किसी को पिंच करना, तो ये करता था, चीखता था जोर जोर से, पुलिस के सायरन की आवाजें निकालता था और जोर जोर से हंसने लगता था। मिस्सी मे एज यू कैन इमेजिन वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद क्रेजी कूट। तो आप सोच सकते हो कि एक तो मिस्सी मे को ऐसे ही नहीं पसंद है और ऊपर से ये और ऐसे बदमाशी करता था, तो वो कोई खुश नहीं होती थी इससे, क्योंकि उनको ये बिल्कुल भी नहीं पसंद था। तो यहाँ तक हमने पार्ट टू वीडियो में पढ़ लिया। यहाँ से आगे पढ़ने के लिए आपको इसी चैप्टर का पार्ट थ्री वीडियो देखना होगा, वो वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।